अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब के? कैसे हैं आप लोग? जवेरिया साउथ वर्ल्ड में आप लोगों को एक बार फिर खुश आमदीद। और आज भी हम कुछ ऐसा शो करेंगे कि जो आपके की दिलचस्पी भी मुनहसर होगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले। आप लोगों ने कहा कि जी हमें जो है आप अपनी कुकिंग दिखाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज खाना पकाया जाए। तो बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, बल्कि रास्ते में ही होंगे, पहुंचने वाले होंगे, और हम किचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज मैं खाना पकाने में लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि बच्चे जैसे ही पहुँचेंगे आते ही कहेंगे भूख लग रही है, मामा खाना चाहिए खाना चाहिए। आपके घर में भी यही होता होगा, जब बच्चे स्कूल से आते होंगे तो खाना मांगते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी मेरी बेटी आ चुकी है, तो चलते हैं किचन की तरफ। जन्नत, मैं आज कोरमा बना रही हूँ। कढ़ाई खानी है? कढ़ाई खानी? मैं कोरमा बना रही हूँ, उसको कढ़ाई खानी है? कढ़ाई खानी है, कढ़ाई खानी है। बेटा आपको पता है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं? कढ़ाई, चले एक काम करते हैं, मैं आज कढ़ाई बनाती हूँ बगैर टमाटर के। आप लोगों को दिखाती हूँ बगैर टमाटर की कढ़ाई कैसी बनती है। मेरी बेटी ने कढ़ाई की फरमाइश की, मैं भी कढ़ाई बनाती हूँ। चलो आ जाओ, आप मेरे साथ थोड़ा सा किचन में हेल्प करोगी? ओके ओके। तकी भी तो नहीं हो? हाँ जी, तो हम मौजूद हैं अपने किचन में, और आज हमने सोचा कि आज नीचे खाना बनाया जाए। तो आज बजाय कोरमे के अब जन्नत की फरमाइश पर चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। चलें जन्नत, इंग्रेडिएंट्स बताते हैं सबको कि किस तरह कोरमे के इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम कढ़ाई बनाएंगे, वो भी बगैर टमाटर की। आइए जन्नत। मामा अभी भी कोरमा लिखा है, कढ़ाई तो करें। हाँ कोरमा लिखा है, सो कढ़ाई कर देते हैं, हम अभी कर देते हैं। ये रो भाई, कोरमा काट के हम इसको कढ़ाई कर देते हैं, चिकन कढ़ाई। सही है, ये कोरमे की जगह हो गई चिकन कढ़ाई। ठीक है, तो जी मैं आप लोगों को यहाँ से शुरू करती हूँ कि चिकन यहाँ पे रखी हुई है, ये दही है, दही हमने, चूँकि कोरमे में दही डलता है, तो दही हमने लिया एक पाव, और हम इसमें आधा पाव डालेंगे या देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा डाल देंगे। आधा किलो हमारी, अब हमने बोनलेस चिकन ले ली है। पहले हमारे पास जो चिकन थी वो ज़ाहिर है हड्डी वाली चिकन थी, क्योंकि हम कोरमा बना रहे थे। और प्याज है यहाँ पे, चॉप्ड प्याज है, ये एक बड़ा या दो छोटे प्याज। उसके अलावा ये मसाले यहाँ पर रखे हुए हैं, ये जो है हमारा ये पिसा हुआ धनिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये हमारा पिसा हुआ गरम मसाला है, ये एक टीस्पून है, ये भी हमारा एक टीस्पून है, ज़ीरा है जो कि भुना हुआ है, नमक है जो कि हसब ज़ायका हम डालते हैं, और ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं जो कि हमने इसमें डालनी हैं। अब हम चलते हैं आगे। और जी ये इसके साथ हमने रखा हुआ है कटा हुआ लहसुन, ये है कटी हुई अदरक, ये है कटी हुई हरी मिर्चें, ये है कटा हुआ लीमू, और ये है कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया है ये। और इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। तो जन्नत शुरू करेंगे, आप मेरी हेल्प कराएंगी अगर आपको जल्दी खाना चाहिए तो। ओके डन। यस। तो जी सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल। अब जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म होगा हम उसमें डालेंगे सबसे पहले ज़ीरा और लीमू जो कि कटे हुए लीमू हैं, और उसके बाद हम डालेंगे उसमें चिकन। जन्नत बेटा मुझे सबसे पहले ज़ीरे वाली प्लेट उठा के ला के दो जल्दी से। ओके। अब जन्नत ढूंढने की ज़ीरा क्या होता है? ये नहीं, ये वाली। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो ये हमने इसमें डाला ये ज़ीरा, ये तकरीबन मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून है। उसके बाद जन्नत लेकर आओ जल्दी से, जिसमें लेमन है वो लेकर आओ प्लेट, जल्दी जल्दी, आज जन्नत का जो है ना इम्तिहान है। वैसे ही रखो जैसे रखी हुई थी प्लेट। कैसे रखी? यस, हाँ, ऐसे। थैंक यू जन्नत। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये लीमू। जी इसमें हमने ऑयल में जो है वो ज़ीरा डाला है और लेमन डाला है, और अब फौरन ही हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, चॉप्ड प्याज। जल्दी जल्दी से लेकर आओ, भाग के जाओ मेरा बच्चा।
जी, तो हम इसमें डालेंगे अब प्याज, और प्याज को थोड़ी देर हमने भूनना है। बिल्कुल उसका रंग जो है वो काला या ब्राउन या गुलाबी इस तरह का नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि कोरमा तो बन नहीं रहा कि हम इतना पकाएं उसको। प्याज को, प्याज डल गया है। अब जन्नत जल्दी से मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट ला के दो भाग के, शाबाश। और इसके साथ ही गोश्त भी ले आओ, बल्कि पहले चिकन ले आओ। जन्नत को आज मैं बहुत काम करा रही हूँ। हाँ, चिकन ले आओ। यस, थैंक यू जन्नत, ये आप पकड़ो। अभी पहले मैं चिकन डालूंगी। गोश्त के साथ ही हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि पिसा हुआ अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट। मामा, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट क्यों डालते हैं? जन्नत, इसमें हमने पिसा हुआ अदरक लहसुन इसलिए डाला है ताकि ये खाने को पकने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो गोश्त की हीक होती है, एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करता है, और इसके अलावा इसका टेस्ट डेवलप करता है, और इसके अलावा खाने को हजम करने में मदद देता है। ओके, तो जी हम इसको, हम मसाले ले आओ जन्नत जल्दी से, और नमक वगैरह जो भी है हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। हाँ, लेकर हल्का सा भून रहे हैं, लेकिन इसको भूनने से पहले इसमें नमक हम डालेंगे, नमक हसब जायका, जितना हमें समझ में आए। ये है जी काली मिर्च, काली मिर्च जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुटी हुई काली मिर्च हम डालेंगे इसमें एक चम्मच। आपने इसमें ब्लैक पेपर क्यों डाला है, रेड चिली क्यों नहीं डाली? काली मिर्च इसलिए डालते हैं जन्नत बेटा, क्योंकि जब हम कढ़ाई बनाते हैं तो अक्सर हम कुटी हुई लाल मिर्च भी डालते हैं और काली मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें काली मिर्च इसलिए डाल रही हूँ ताकि उसका टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है कढ़ाई में। इसलिए मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं दो मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, कुटी हुई काली मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद जी हमने इसमें डाला, ये है पिसा हुआ धनिया, ये था 2 टेबल स्पून, ठीक है, और ये है पिसा हुआ गरम मसाला। ये मसाला हम अच्छी तरह भून लेंगे। जन्नत, अगर मैं तुमसे बोलूं कि रात का खाना तुम बनाओगी तो क्या तुम खाना बना लोगी रात का? नहीं नहीं, क्यों नहीं? डर लगता है मेरा बच्चा। करना तो पड़ेगा, हर लड़की को करना पड़ता है, वरना ससुराल वाले कहते हैं अल्लाह, मुझे लगता है कि अम्मा सुघड़ नहीं थी जब भी बेटी ऐसी है। तो भाई सुघड़ बनना है तो खाना पकाना भी सीखना होगा मैडम। 10 साल बाद? क्या? 10 साल बाद? 10 साल बाद सीखोगी? और 10 साल तक क्या करोगी? पढ़ाई। मेरा बच्चा, आई लव यू। बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। मुझे तो अभी भी लगता है कि जन्नत इतनी छोटी सी है, मैं उसको गोद में खिला रही हूँ, और प्यारी सी मेरी बेटी है माशाल्लाह। और इब्राहिम भी अभी भूखा आने वाला है, शोर मचाएगा, क्लब होगा उसका, तो आज वो सॉकर खेलता है मेरा ख्याल है, सॉकर खेल के आएगा और वो थका हुआ होगा और भूखा होगा, और आते ही कहेगा मामा खाना दे दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। कैसे करेगा जन्नत, बताना इब्राहिम कैसे करेगा? मामा मुझे खाना खाना है। अब ये हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे दही डाल के, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो अब हम डालेंगे इसमें दही। ये एक पाव दही थी, हमने आधी दही इसमें डाल दी है। ये भून रहे हैं हम गोश्त को, गोश्त भुन रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ये ऐसे 10 मिनट के अंदर जो है ना ये कढ़ाई बन जाएगी। आपको पता कैसे चलते कब बनेगी? आपको पता कैसे चलते कब बनेगी? भाई ये कलर चेंज हो जाता है गोश्त का, फिर हम चेक भी कर सकते, चिकन का फिर हम चेक भी कर सकते हैं। और जब भुन जाता है, जब खाना भुन जाता है, तो भुनने के बाद हमें पता चल जाता है कि खाना भुन गया है, तो उस वक्त भुनता है खाना जबकि ऑयल जो है, जो हमने डाला है, वो ऑयल उसके ऊपर आ जाता है,
और जो उसका पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, इसका मतलब खाना अच्छी तरह भून चुका है, भून लिया है हमने, यानी कि पक चुका है अच्छी तरह। और उसके बाद फिर हमें अगर थोड़ा बहुत ग्रेवी चाहिए हो तो उसके बाद फिर हम पानी डालते हैं जब हम खाना भून लेते हैं अच्छी तरह। पहला वाला जो पानी होता है उसको हम जो है वो सुखा लेते हैं, खासकर कढ़ाई में तो इसी तरह होता है। और चूंकि इसमें टमाटर नहीं है तो इसकी ग्रेवी के लिए हमें थोड़ा बहुत हमने दही डाला है, तो दही से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। खुशबू आ रही है? इसको थोड़ी सी थोड़ा सा हमें और आना है, तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन, अदरक कटा हुआ, अदरक कटा हुआ, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया जनत लिया। थोड़ा सा धनिया हम बचा के रखेंगे बाद में उसके ऊपर डालने के लिए, धनिया और अदरक थोड़ी सी बचा के रखेंगे बाद में हम, हाँ लिया लिया यही है गार्निशिंग के लिए बचाएंगे थोड़ा सा धनिया और अदरक, ये हमने डाला है इसके अंदर। और इसमें आधा हम अदरक अभी डालेंगे, आधा हम बाद में ऊपर से डालेंगे, ठीक है। और ये मिर्चें भी जो है हम आधी अभी डालेंगे, आधी ऊपर से डालेंगे, और ये धनिया भी आधा अभी डालेंगे और आधा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। तो जी कढ़ाई जो है हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम इसमें रखेंगे ये हरी मिर्चें। अब इसमें दम लगाने के लिए हम हरी मिर्चें डालेंगे, तो हमने हरी मिर्चें डाली और इसमें दम लगाने के लिए इसको रख दिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसको दम दें और उसके बाद आपकी बग़ैर टमाटर की कढ़ाई तैयार। मुझे भूख लग रही है, कब पकेगा? हाँ बेटा बस पकने वाली है, थोड़ी सी देर और, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सा और सब्र कर लो। मुझे पता है बच्चे जो है वो बहुत भूखे आते हैं स्कूल से और हमारा खाना वैसे तैयार होता है, लेकिन आज मैंने कहा था कि खाना मैं बनाऊंगी और रिकॉर्ड भी करूंगी ताकि आप लोग भी देख सकें, तो इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। और फिर जन्नत ने आके अचानक मेन्यू चेंज कर दिया कि जी कोरमे के बजाय कढ़ाई चाहिए, तो फिर मैंने उन्हीं इन्ग्रीडियंट्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके आपके सामने जो है मैं कढ़ाई बना रही हूँ। और वैसे कढ़ाई जो है वो हर घर में तकरीबन हर दूसरे दिन बनती ही रहती है, लोगों को पसंद बहुत है, हम लोगों को कढ़ाई, बिरयानी, पुलाव, इस टाइप की चीज़ें हम अक्सर खाते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिरयानी अक्सर जुम्मा हफ्ता या इतवार, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है, जन्नत को बहुत पसंद है, तो हमारे यहाँ बिरयानी और या पुलाव जुम्मा हफ्ता इतवार वाले दिन बनता है। और कढ़ाई अक्सर बनती रहती है, हफ्ते में एक बार दो बार इस तरह से दाल चावल के साथ कढ़ाई बन जाती है, सादी कढ़ाई बन जाती है। और पुलाव के साथ हम लोग शामी कबाब या हम कटलेट्स जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा हम कोरमा जिस दिन बनता है फिर उस दिन कोरमे के अलावा कुछ भी नहीं बनता। और दाल चावल के साथ इस और भी हम चीज़ें, जैसे अगर काली दाल बनाते हैं तो उसके साथ हम आलू जो होते हैं, जो मसाले वाले अचार के मसाले वाले आलू होते हैं वो बनाते हैं। और हाँ रायता हम लोग क्या करते हैं, बिरयानी के साथ जो रायता बनता है वो सादा दही और जीरे का रायता बनाते हैं, और पुलाव के साथ जो रायता बनाते हैं वो हम हरी मिर्चें और पुदीना वाला जो रायता होता है वो हम बनाते हैं। और इसके अलावा जब बिरयानी बनती है तो फिर सिर्फ बिरयानी होती है हमारे घर में, लेकिन जब दाल चावल बनते हैं तो उसके साथ हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बनाते हैं, जैसे कोई भरी हुई हरी मिर्चें बना ली या फिर अचार तो खाते ही हैं। और इसके अलावा हम लोगों के घर में रोज़ दोपहर में सब्ज़ी ज़रूर बनती है और सफ़ेद चावल रोज़ बनते हैं हमारे यहाँ, जब भी हमारी ये हाल है खा खा के चलिए जी देखते हैं क्या हालात हैं अब इसके कढ़ाई के। आ हा 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 हा, गर्मा गर्म कढ़ाई जो है तैयार है। और हम हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा जो है एक बर्तन है जिसमें हम कढ़ाई सर्व करेंगे और आपको भी खिलाएंगे। किसी दिन ज़रूर आइएगा मेरे घर और मैं बुलाऊंगी आप लोगों को जल्दी अपने घर, एक एक करके सबसे मिलूंगी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। चले जी तो ये कढ़ाई हम ले आए हैं अब यहाँ पे इसमें डालने के लिए, देख सकते हैं आप गरम गरम कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे ये कढ़ाई गरम गरम, और ऊपर से जो हम हमारी गार्निशिंग रह गई थी वो हम इस पर करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये मैंने मिक्स किया और ये हमने ऐसे गार्निश कर दिया, और ये हमारी बग़ैर टमाटर की जो कढ़ाई है वो तैयार है आप देख सकते हैं। हाँ
हाँ जी, तो चिकन कढ़ाई गर्मा गर्म तैयार है, आपने देख ली आपको कैसी शक्ल लग रही है। अब आप अपने घर में बनाइएगा और बनाने के बाद, बगैर टमाटर के कढ़ाई बनाने के बाद और खाने के बाद मुझे दुआएं दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी घर में आपकी बगैर टमाटर की कढ़ाई। है जन्नत, आपको अच्छी लगी? खा के देखोगी तो पता चलेगा, है ना। अच्छा जन्नत, स्मेल अच्छी थी। स्मेल अच्छी है, अच्छा। तो जन्नत, अच्छा जन्नत की एक आदत है, खाने से पहले ना पहले खुशबू सूंघती है। हाँ, घर में खुशबू आ रही है, इसका मतलब आज मामा खाना बना रही है ना जन्नत। अच्छा जन्नत, थोड़ा सा कुछ याद है मैंने कैसे बनाई है ये? पहले ऑयल डाला, फिर कुछ और डाला। कुछ और क्या? कुछ और क्या? जीरा। हाँ जीरा, यस। फिर फिर वो लेमन। यस। फिर प्याज। प्याज, यस, जबरदस्त। फिर वो पेस्ट, शायद नहीं, चिकन डाली पे। अरे हाँ, चिकन। फिर वो पेस्ट। पेस्ट उसके बाद उसके बाद जो आपने मसाला डाला था। हाँ, मसाले डाले सारे, सही। उसके बाद मिर्चे। हाँ मिर्चे, भुनने के बाद मिर्चे और धनिया। वाह भाई वाह, इतना तो याद रह गया मेरी बेटी को। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा जी, आप खुदाफिस कहने से पहले मैं चाहती हूँ कि जन्नत कुछ कहना चाहती हो। तुम सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, प्यार करते हैं, तुम्हें दुआएं देते हैं। Keep watching Javier's World, subscribe and hit the bell notification button so that you can get notifications whenever she posts a new video. Thank you. Thank you. Okay, खुदाफिस। खुदाफिस। Bye.